बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट डे आज यू ऑल नो वेरी वेल, वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 7 एंड टुडे वी विल स्टडी अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। प्रीवियसली वी हैव स्टडी स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। कल हमने प्रीवियस टॉपिक में वीडियो में हमने स्प्रिंग मास सिस्टम को पढ़ा था, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को, ठीक है ना बच्चों। और आपको भी प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो मेरी 11 क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, ठीक है, वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप डीएम में भी आस्क कर सकते हैं, ठीक है। और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, ठीक है बेटो। हाँ जी, तो इसी तरह अगर आपने अगर पास पेपर देखने हैं तो इसके गेस्ट देखने हैं 11 क्लास के, ठीक है ना, चाहे फिजिक्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो, वो भी आपको एक प्ले लिस्ट है मेरी 11 क्लास पास पेपर की, वहाँ से आप उनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, देख भी सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले टॉपिक का नाम है जी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, हमने पढ़ना है आज, ठीक है। सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक ना बच्चों, हमने सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक हमने ग्रेड 10 में भी पढ़ा था, ठीक है ना। हाँ जी, तो उसका चैप्टर आपका 10 था सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका पहला टॉपिक था, आपने वहां भी उसको स्टडी किया था। जी बिल्कुल किया था, ठीक है। हाँ, अगर वहां से जाकर उसको एक बार गो थ्रू करना चाहते तो वो भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आपको स्क्रीन पर भी उसका शो हो रहा है, ठीक है, वहां से भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो बेटे चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम की एक डायग्राम है हमारे पास, हम उस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, क्योंकि एक सपोर्ट है जिसके साथ हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एक रस्सी को बांधा, ठीक है। ये एक बोब है जिसका मैस एम है, और आपको पता है वो ये के डाउनवर्ड क्या होता है बच्चों, वेट होता है, और अपवर्ड क्या है बच्चों, टेंशन। अब इस को क्या करते हैं, इस पॉइंट पे लेके आते हैं स्ट्रीट पोजीशन पे बोब को, ठीक है, और ये एंगल बनाता है थीटा, और इसकी जो लेंथ है वो एल कहते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो बेटे यहाँ पे भी इसी तरह बना सकते हैं, लेकिन हमें तो समझ आना चाहिए यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बेटे याद रखिएगा डाउनवर्ड वेट अभी भी वही है, लेकिन यहाँ वेट के दो कंपोनेंट बन गए, एक इसके पैरेलल है इसके बिल्कुल, जिसको हम बोलेंगे एम जी कोस ऑफ थीटा, और एक बनेगा इस तरफ जिसको हम बोलेंगे एम जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, इसी तरह बात करते हैं यहाँ पे वेट के दो कंपोनेंट बन गए, तो यहाँ पे बात होगी किस तरह पे मूव, किस तरफ करेगा, किसकी वजह से करेगा, ठीक है। देख सकते हैं कि हमारे पास जब आपने इस ऑब्जेक्ट को, इस बोब को, इस मीन पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन है ना, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए, और जब आपने इसको यहाँ से छोड़ा तो ये वापस इस तरफ मूव किया, क्यों मूव किया, इस एम जी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ वेट की वजह से मूव किया, क्योंकि ये जो कॉस थीटा कंपोनेंट है और यहाँ पे ये जो टेंशन है इस डायरेक्शन में, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, इसकी मूवमेंट होगी अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है ना। एम जी साइन थीटा कंपोनेंट इसको वापस लेके आएगा, और ये इस तरह इसकी डायरेक्शन, इसकी मूवमेंट चलती रहेगी, ठीक है बच्चों। जी, तो हमने देखा बेटे इस पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, वो नेट फोर्स का आपको अगर फार्मूला पता है, नेट फोर्स का सिंबल एफ, और ये बना एम जी साइन ऑफ थीटा, इस कंपोनेंट ऑफ वेट की वजह से ये मूव कर रहा है, क्योंकि आपको पता है तो इस वक्त टेंशन तो इस तरह कुछ भी नहीं है, इसलिए खाली यही एक फोर्स है, ठीक है बच्चों। हाँ, याद रखिएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है ये, इसको हम लिख सकते हैं थीटा के इक्वल, तो ये बना एफ इज इक्वल टू एम जी थीटा। अब इसको इक्वेशन 1 हम बोल देंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और इसी तरह आपने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या, न्यूटन सेकंड लॉ, हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या अप्लाई हुई है, फोर्स अप्लाई हुई है, और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ऑब्वियसली, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर आएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चले आप इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ इक्वेशन, ठीक है ना, जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से बना कि एम ए इज इक्वल टू एम जी थीटा। तो ये देखे बेटे, जब हमने इनको कंपेयर किया ना, तो हमारे पास ये बना एम ए इज इक्वल टू एम जी थीटा, ये एम इस एम से कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी थीटा बन जाएगा, और यहां से आपके पास ये किसकी वैल्यू आई बच्चों, एक्सेलरेशन की, ठीक है बच्चों। हाँ जी, फिर इसी तरह आपने एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला पढ़ा बच्चों, इसको आप इक्वेशन 3 बोल दें, और इसी तरह आपने एक फार्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको आप इक्वेशन 4 बोले। अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ इक्वेशंस, या इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। जब कंपेयर किया तो ये जी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है बच्चों। हाँ जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने इसको यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो ये आप लिखेंगे जी थीटा ओवर एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ठीक है बच्चों। और फिर आपने यहाँ पर एक और फार्मूला लिखना है, आप जानते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम एस को ले लेंगे बच्चों हमारा एक्स, और इसको बोलेंगे हम एल, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो इस तरह यह फार्मूला बना हमारे पास। तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स ओवर एल। तो इस वैल्यू को आपने क्या करना है, सिंपली पुट करना है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 5 का, ठीक है बच्चों। ये हमारी इक्वेशन 5 है, इसको इक्वेशन 5 बोल दें। आप इसको आप यहां लिख दें पुट इन इक्वेशन 5, पुट इन इक्वेशन 5 में जब आप इसको पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 5 कुछ इस तरह से बनेगी बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एक्स, ऐसी थीटा की जगह क्या आ गया बच्चों, थीटा की जगह उसकी वैल्यू आई एक्स ओवर एल, ये थीटा की वैल्यू आ गई, एक्स एक्स से कैंसिल हो गई, जी ओवर एल बना हमारा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब आपने क्या किया दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये आ गया जी ओवर एल, ये ओमेगा की वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब आपने अगर फाइंड करना है इसका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ये देखें टाइम पीरियड का हेडिंग दे दें, टाइम पीरियड निकालने के लिए आप इसी इक्वेशन को आप यूज करेंगे अबव इक्वेशन को, ठीक है। तो यहां से आप जानते हैं कि आपके और जो टाइम पीरियड है ये होता है 2π/T के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। हाँ सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T के इक्वल होता है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आप यहां पर सिंपली इस इक्वेशन को, ठीक है ना, नाम देंगे हम इसको, इसको 6 बोलेंगे, ये हमारी इक्वेशन 6 है, ये इक्वेशन 7। अब आपने दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखें ये 2π/T इज इक्वल टू रूट जी ओवर एल। तो अब आप देखें आपने टाइम पीरियड निकालना है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, 10 क्लास में जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको याद होगा, मैंने कहा था ये फार्मूला आपने याद करना है, सिंपल फर्स्ट ईयर में प्रूफ करेंगे, तो आज ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक स्प्रिंग मैथ सिस्टम में किया था, यहाँ भी वही करेंगे। हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो टाइम पीरियड की वैल्यू पुट की, जब यहाँ पे 2π वो एल ओवर जी ऊपर आके वापस रेसिप्रोकल जी ओवर एल हो गई, तो इस तरह हमारा फ्रीक्वेंसी भी फाइंड हो गई, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई जी। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंपल पेंडुलम की मोशन को हमने स्टडी किया, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।